अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल दानिश पेट्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ लॉन्ग कॉर्ड जर्मन शेपर्ड। जो पप्स आप देख रहे हैं, इनके मदर फादर जो हैं वो प्रॉपर लॉन्ग कॉर्ड है, और पप्स जो हैं आज 12 डेज़ के हैं, 12 दिन के हो चुके हुए हैं। कुछ पपीज़ की आइज़ जो है वो खुल चुकी हैं और कुछ की एक दो दिन में आइज़ खुल जाएंगी। तो पपीज़ जो हैं हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, और जैसा कि एक ब्रीडर को चाहिए कि वो जैसे ही फीमेल जब पप्स डिलीवर करना शुरू करती है तो वो उससे पहले जो है डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाए ताकि कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो ये ब्रीडिंग जर्मन शेपर्ड की जो ब्रीडिंग डॉग ऑनर ने जो की है वो बहुत अच्छी की है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत ख्याल रखा अपनी फ़ीमेल का, उसके फूड का ख्याल रखा, उसकी वॉक का ख्याल रखा, और डिलीवरी भी बहुत अच्छी उन्होंने खुद से ही सारा ये मैनेज किया। ये जितना सारा क्रेडिट्स हैं जाता है डॉग ऑनर को, और डॉग ऑनर के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि ब्रीडिंग करवाना कोई आसान काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ब्रीडिंग बहुत अच्छी हुई है जर्मन शेपर्ड की। जर्मन शेपर्ड फीमेल बहुत लविंग है, अपने पप्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, और जो वेदर के लिहाज से देखा जाए पाकिस्तान में जो वेदर चल रहा है वो थोड़ा सा भी गर्म है, और उसके लिहाज से जो डॉग ऑनर्स हैं ये उनकी ड्यूटी है, उन पर डिपेंड करता है कि वो अपनी फ़ीमेल को किस तरीके से जो है वो उसे गर्मी से बचा रही हैं। इसमें फूड भी डिपेंड करता है, कौन सा फूड दे रहे हैं इस मौसम में, और जो कूलर की ज़रूरत है, पंखे की ज़रूरत है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्रीडिंग के हवाले से, पप्स के हवाले से, आप जिस जगह पे आपने फीमेल्स और पप्स को रखा हुआ है उसका, उस एरिए का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये बहुत मैटर है। तो फ्रेंड्स, पपीज़ जो हैं वो बुकिंग के लिए रेडी हैं, और नंबर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। ये लॉन्ग कोट पप्स हैं, आप इन्हें बुक करवा सकते हैं। अगर आप प्लेस पर विज़िट करना चाहें तो आप पपीज़ को अपनी मर्ज़ी से अपना जो आपको अच्छा लगे, पपीज़ सारे ही अच्छे हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी आकर विज़िट कर सकते हैं, ले सकते हैं। पपीज़ की जो प्राइस की जहाँ तक बात की जाए, प्राइस डॉग ऑनर खुद डिसाइड करते हैं क्या प्राइस है, मैं आपको वीडियो पर प्राइस नहीं बता सकता। आप कांटेक्ट करके पप्स की प्राइस डिटेल्स ले सकते हैं, और इसके अलावा जो इसका फादर है और वो आपसे लाइव भी देख सकते हैं, मदर को भी लाइव देख सकते हैं। बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा कोड है, और शाइनिंग कोड है, और इसके अलावा जो है ब्रीडिंग जितनी तारीफ़ की जाए, ब्रीडिंग बहुत बहुत अच्छी ब्रीडिंग की है, और जो फीमेल है, जो फीमेल के साथ जो मेल था, जो ये पप्स जो आप देख रहे हैं इनका जो फादर है वो अलग ब्लड लाइन से है, और जो जो उनके ऑनर हैं मेल के, बास्को नाम है मेल का, उसके जो जर्मन शेपर्ड के जो ऑनर हैं, मेल ऑनर वो रोनी हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे ब्रीडर हैं। और जो फीमेल के ऑनर हैं वो नासिर साहब हैं, बहुत अच्छे जो है डॉग लवर हैं, बहुत केयरिंग कर रहे हैं अपनी फ़ीमेल की। और पप्स जो हैं अभी, आज मैंने आपको बताया कि 12 डेज़ के हो चुके हैं, और पपीज़ जैसे ही 25 डेज़ के या 30 डेज़ के होंगे आपको फ्रेश पिक्चर्स, फ्रेश वीडियोस भी मिलेंगी, और स्पेशल आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा पप्स किस ऑनर के पास जा चुका है या जाने वाला है। और जहाँ तक बात की जाए जर्मन शेपर्ड ब्रीड्स की बात की जाए, जर्मन शेपर्ड फैमिली डॉग है, और उसके बाद बहुत केयरिंग है, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत सन्सियर होता है, बहुत एनर्जेटिक है, एक्टिव होता है। और जहाँ तक बात की जाए जर्मन शेपर्ड के गार्ड के लिहाज से, और ये एक बहुत अच्छा गार्ड है अपनी फैमिली के लिए, और अपने जिस जगह पे, जिस प्लेस में ये रह रहा है उस घर में जो है बहुत 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 जो है ये जितनी तारीफ़ की कम की जाए जर्मन शेपर्ड की बहुत कम है। जर्मन शेपर्ड बहुत एक्टिव होते हैं, और दूसरा जो है डॉग ऑनर्स के साथ जो है उनका बहुत प्यार होता है, लॉयल होते हैं, लविंग होते हैं, और
बच्चे हों, घर में पड़े हों, सब इसके साथ जो है एंजॉय करते हैं। ये बहुत अच्छा दोस्त है जर्मन शेफर्ड। आपकी लाइफ में ये एक अच्छा जो है एक टाइम आपका अच्छा स्पेंड करता है, और बहुत बहुत ज़्यादा जो है इससे आपको मोहब्बत होती है क्योंकि जर्मन शेफर्ड एक्टिव है इसलिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।